ये टाइम पे कौन फोन आ कर रहा है भाई। वाह, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? आपका फोन आने से पहले तो खैरियत में था, अब क्या है? अच्छा सुनो, हाँ बोलो। आते आते मेरे वास्ते कुछ तो भी लाओ ना। क्या लाऊं? कुछ भी जो आपका दिल बोला वो लाओ। सौतन ला लो तुम्हारी फिर। जी पागल बता नको करो जी तुम। तो सीधा सीधा बोलो ना जी, घुमा फिरा के गई को बोल रहे। मैं पिज्जा लाया तो बर्गर लाना था बोलते, बर्गर लाया तो पिज्जा लाना था बोलते, पिज्जा लाया तो सैंडविच लाना था बोलते, सैंडविच लाया तो तुम्हारे को तो मेरी पसंद नहीं मालूम बोलते। आई जान दो जी, रोड पे ठहर के नको पुकारो ऐसे, लोग पागल समझ के मारेंगे तुम्हारे को। हाँ भाई जो भी हो ना क्लियरली बोलो भाई, लाता हूँ, जल्दी बोलो, फोन में बैटरी नहीं है। अम्मा का कलेजा लाओ, रखो फोन। अरे पागल औरत है क्या ये? फाइनेंसर यहाँ क्या कर रहे? A few moments later. दरवाजा खोलो जी, जल्दी खोलो। क्या हुआ जी, पी के आए तुम? ये आदत कब से डाल लिए तुम? मैं बोली तुम्हारे वो चिंदी दोस्तों के साथ उठना बैठना बंद करो, बोल के तुम नहीं समझते मेरी बात। अरे दियो। और कितना पीते जी, ठहर नहीं आ रहा तुम्हारे को? पानी जी, पानी दियो। अम्मा अम्मा अल्लाह, जल्दी लाओ। तुम्हारे मुंह से शराब की बोतल नहीं आ रही, फिर तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई भाई? जी वो सिग्नल पे छेड़े होगी पुट्टी को, पब्लिक कुत्ते के तरह खुंदल खुंदल के मारी होगी तुम्हारे को ना। जी जरा शर्म करो जी, शादी होगी तुम्हारी, अब तो भी सुधरो। अजी मैं गुट्टे से पैदल आया जी। पैदल का एक है, ऑटो लेके आना था? नहीं कैश नहीं था तो रैपिडो करना था, फोन बंद हो गया। जी तुम एक नंबर के दलिंदर इफ्लास आदमी है, दुनिया भर के सारे परेशान है साथ में लेके चलते तुम। अरे शैतान की खाला, तुम्हारे हाथा बोले तो जोड़ता हूँ, पैरा बोले तो जोड़ता हूँ भाई। प्लीज मेरे साथ बहस नको करो, मैं जो बोल रहा हूँ वो गौर से सुनो। हाँ बोलो। वो मेरी बाइक फाइनेंसर छीन लिए। काहे को? बाइक उनके बाबा की कते? नहीं जी मैं 4 महीने से EMI नहीं भरा। काहे को नहीं भरे? बैंक तुम्हारे बाबा का है कते? देखो मैं 4 महीने EMI नहीं भरा तो बैंक वाले बाइक छीन के लेके चले गए। ये बात अगर मेरे को पहले मालूम रहती थी ना तो मैं शादी भी लोन पे करता था। कम से कम तुम्हारे से छुटकारा तो मिल जाता था मेरे को। मैं एक दिन भी चली गई ना तुम्हारे को ना चड्डी मिलती ना बनियान, समझे? ये जी काए जी, जी वो काए जी बोल के मेरे को फोना करके परेशान करते थे तुम। मेरे बगे तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता, समझे? तुम्हारे साथ भी मेरा कुछ भी नहीं हो सकता। मेरा फोन जरा चार्जिंग पे लगाओ। क्या उजाड़ फोन है जी तुम्हारा, पूरी रात चार्जिंग पे रखे तो भी बंद पड़ गया। फेंको ये फोन को, नया फोन ले लो जाओ। ए पागल औरत, फोन को रात भर चार्जिंग पे नहीं लगाते जी, बैटरी खराब हो जाती। अजी तुम्हे को क्या पागल समझ रहे, मैं फोन की बैटरी निकाल के चार्ज पे रखती हूँ। 10 साइंटिस्टों के मरने के बाद मैं पैदा हुई सो। ए आइंस्टाइन की छठी औलाद, बैटरी निकाल के कौन चार्जिंग करे थे जी? या अल्लाह मैं तेरे को भोली बीवी दियो बोला था मगर तू तो हॉली बीवी दे दिया। मैं भी अल्लाह से अच्छा हस्बैंड मांगी थी, लुच्चा मिला। मैं कुछ बोली? तुम बोल भी नहीं सकते थे, सुने आ, तुम्हारी जैसी को अगर कर लिया मैं बोलता तो वो बहुत बड़ी बात है। इस साड़ी पे का पल्लू सरके सा तुम्हारी जवानी सरक जाती थी, मैं तो रहम खा के तुम्हारे से शादी करने रेडी हुआ। सुने ना तो आज भी तुम वो तुम्हारे पॉकेट बवा के घर में सड़े हुए रहते थे। बुरे क्या जी, एक काम के नहीं है तुम, सुने ना, दीन के है ना दुनिया के है, धरती पे बोझ है तुम। ना तुम्हारे घर का काम आता ना ऑफिस का काम आता, काम का नाकाश का दुश्मन अनाज का एक कहावत खास करके तुम्हारे जैसे लोगों के वास्ते बनी हुई है। ये क्या जी मुआ बना रे, ऐसा मुआ बनाने से घर नहीं चलता,
खाना बनाने से चलता। What? भूख लग रही, खाना निकालो। खाना रहता तो मैं तुम्हारे को कई को बोलती थी, कुछ तो भी लाओ बोल के। अच्छा तो रात भर भूखे रह सकते, तुम खाना नहीं है तो अब? वो तुम सोचो, मैं तो मेरे वास्ते भगोना भर के तारी बना के खा ली, अब तुम तुम्हारा देख लो। तुम्हारे वास्ते जो बोल रही थी कुछ तो बिलाओ बोल के। ये भाई उसके आगे बीच में जाके क्या फायदा। क्या बोले? कहावत बोल रहा हूँ बेगम, ब्रेड के ऊपर शहद लगा के देती हूँ खाते। नहीं ठीक, शहद मक्खी के मुंह से निकलता और किसी के मुंह से निवाला छीन के मैं नहीं खाता। तो फिर अंडा बना के दियो खाते। ए, तुम्हारी जबान और दिमाग बहुत चल रहा, तुम्हारी जबान को लगाम दियो और दिमाग को ताला डालो। और तुम घर में राशन डालो, खाना बना के देती हूँ। ए, मैंने भी नहीं, राशन खत्म हो गया। ऐसा कैसा खत्म होता जी राशन? हाँ, तुम कुंटलो कुंटलो से राशन डाली थी नी, वो क्या छटक छटक पाव किलो आधा किलो डाले थे, इतना तक चला बहुत है समझे। मैं ही छू जो तुम्हारे साथ गुजारा कर रही हूँ। बस ये डायलॉग सुन सुन के मेरे काना पक गए सो है, और हमारे रिश्तेदार भी उनके घर वाली से सेम डायलॉग सुन के उन्हें भी बेजार आ गए होंगे। अगर मैं बात सही बोल रहा था आप लाइक करना प्लीज, और अगर इन्हों गलत बोल रहे तो आप शेयर करो प्लीज। ए तुम बीच में कहीं घुस रहे जी? हाँ ये बीच में घुसने की आदत नहीं जाती बोले तुम्हारी। बेगम जरा खाना निकालो बोलते कि रूम में घुस जाते, बेगम जरा साफ करो बोलते कि टॉयलेट में घुस जाते, हाँ कुछ भी काम नहीं रहा तो फोन में घुस जाते। पिछले जन्म में चूहे थे क्या तुम? तुम पिछले जन्म में कुत्ते थे क्या? जब देखो तब भोंकते रहते खाली। इतनी हिम्मत तुम्हारी, मेरे साथ बदतमीजी से पेश आते तुम। जो औरत मेरी इज्जत नहीं करती, जो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करती, आई डोंट लाइक हर, आई डोंट वांट टू स्टे फॉर वन लम्हा आल्सो, गेट लॉस्ट। अच्छा सोच के बोलो, तुम मेरे बगैर एक घंटा भी नहीं गुजार सकते। मैं हूँ जो तुम्हारे को लेके चल रही हूँ। ये बकवास बंद करो तुम्हारी। सुने मैं मार्केट में निकला तो तुम्हारे जैसे 36 मिलते हैं मेरे को। ऐसा मतलब दूसरी भी मेरे जैसे करके लाने वाले तुम? भारी पड़दारी यार रोहिणी। हाँ बोलो बोलो, तुम्हारे को मैं इतनी पसंद कि तुम दूसरी भी मेरे जैसी देख रहे बोल के। अरे ये पहली से जितना परेशान है तो दूसरी भी तुम्हारी जैसी कैसा करके लाती। मैं एक बात बोले, मैं दूसरी भी करके कहीं को लाऊंगा? हाँ दीवारे होगा क्या, उन्हें कैसी निकलती किसको मालूम। गुड, समझदारी की बात करे तो अब कर भी कह सकते भाई, ओकली में सर दिया तो मुसल से क्या डरना, जिंदगी बैगन में मिल गई शादी करके। शादी के बाद इंसान की जिंदगी बदल जाती, रिस्क में बरकत आती, खुशहाली आती, सुकून मिलता, एक हमदर्द और एक हमसफर मिल जाता, दुनिया जन्नत बन जाती। वो अच्छी बीवी मिली तो, तुम्हारे जैसी डेंजर मिली तो जीते जी दुनिया दोजख बन जाती। इट्स ओके, इट्स ओके, आप मेरे हस्बैंड है, पांक। आप मेरे शोहर है, पांक। मेरे हमसफर, मेरे हमदर्द है आप, तो अगर आप कुछ मेरे को बोले तो अपना मान के बोले होंगे नहीं। हाँ? तो आप बिंदास बोलो, आपको जो बोलना है बोलो, मैं बुरा नहीं मानती हूँ, आई डोंट माइंड। ये क्या अचानक काया पलट गई, कुछ तो भी काम दिख रहा है इसको मेरे को। ए देखो ज्यादा मस्का नक्को मारा जी, काम क्या है वो बोलो तुम। सुने कम टू द पॉइंट, ऑनलाइन मस्त डिजाइनर वेयर पे 50% ऑफ सेल चल रहा है तो? चार सूटा चाहिए। क्या चार सूटा? फिर से चार सूटा? परसों ले रहे रमजान में चार सूट, आप कहीं को फिर? परसों रमजान में चार सूटा ली थी मैं, मेरे को अभी भी चार सूटा होना और 50% डिस्काउंट चल रहा भाई। रे मैं बेजार आ गया भैया तुम्हारे फरमाइशों से। देखो मेरे को ज्यादा परेशान ना करो ना तो मैं सुसाइड कर लेता हूँ। सुसाइड करने से पहले 2-3 सूटा दिला के करो ठीक है, नहीं तो इद्दत के टाइम पे क्या पहनूं मैं। Assalamualaikum, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, वड़कम। आई होप कि आप लोगों की वीडियो बहुत पसंद आया होगा, बिकॉज जो एंडिंग थी बहुत भयानक थी, आगे क्या होने वाला है वी डोंट नो। जब तक आप लोग थोड़ा इंतज़ार करिए और हमारे वीडियो को वायरल करिए, 2 लाख 3 लाख 4 लाख लाइक सुनाए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है। वायरल कीजिए और शेयर कीजिए अपने लोगों से। मिलेंगे अगले सैटरडे।